हाँ जी नेक्स्ट इज़ मोनोस्क्रिप्ट मोनोस्क्रिप्ट आर द कलेक्शन ऑफ़ ओरिजिनल रिटर्न डॉक्यूमेंट्स टेक्सेस एंड द स्क्रिप्ट विच आर इन इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल इन मैनी वेज कि जो मोनोस्क्रिप्ट एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें जो ओरिजिनल रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं टैक्सेस होते हैं स्क्रिप्ट होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल होती हैं सर्वे द British बिलीव्ड दैट इफ a कंट्री हैड टू बी administered एडमिनिस्ट्रेट इफेक्टली देन सर्वे हैड टू बी कंडक्ट प्रॉपरली टू मैप द एंटायर टेरिटरी जो ब्रिटिश लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि किसी देश को प्रभावशाली तरीके से चलाना हो तो पूरी कंट्री को अच्छी तरह सर्वे करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम टॉपोग्राफ़ी सॉइल पैटर्न वेजिटेशन एक्सेट्रा सर्वेज़ ऑल्सो असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द एंटायर हिस्ट्री ऑफ आ कंट्री किसी भी देश देश की पूरी हिस्ट्री को समझने के लिए टोपो टॉपोग्राफी के अलावा जो सॉइल पैटर्न होता है वेजिटेशन होता है इसका जो सर्वे होता है वो हमें हेल्प करता है नेक्स्ट इज अकाउंट्स ऑफ फॉरन ट्रैवल्स एंड Chronicle, Chronicles. Many visiting foreign gave wonderful accounts of rulers, societies, lifestyles, etc. of the particular period. For example, Megstrenz, Fahien, and Ibn Batuta gave wonderful account of Indian rulers and societies. जो फॉरेन ट्रैवल और इतिहासकार हुए थे क्रॉनिकल्स हुए थे उन्होंने अपने अकाउंट्स में रूलर्स uh, के बारे में सोसाइटीज़ के बारे में उनके लाइफ के बारे में बहुत ही अच्छे उस समय समय का बहुत ही अच्छे से प्रकाशित किया है जो मैगस्थी मैगस्थीज थे फाहेन इबन बतूता आर द वंडरफुल अकाउंट ऑफ इंडियन रूलर्स एंड सोसाइटी नेक्स्ट इज़ ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी एंड बुक्स अ बायोग्राफी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय द अनदर पर्सन बायोग्राफी होती है किसी और द्वारा लिखी गई एक पर्सन की लाइफ हिस्ट्री उसको बोलते हैं बायोग्राफी लिखना ऑटोबायोग्राफी इज द वन ऑफ टाइप ऑफ बायोग्राफी जो ऑटोबायोग्राफी है वो बायोग्राफी की एक टाइप है विच टेल अ लाइफ स्टोरी ऑफ इट्स ऑथर मीनिंग इट इज़ अ रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ द ऑथर्स लाइफ जो ऑटोबायोग्राफी है हमें ऑथर की लाइफ स्टोरी के बारे में बताते हैं ये एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है ऑथर की लाइफ का सिमिलरली बुक्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज जो बुक्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही तरह का यूजफुल है बहुत ही तरह से यूजफुल हैं दे पॉइट्री एवरी मोशन एक्सपीरियंस बी लाइफ एंड आइडियाज़ दे आर रीडली अवेलेबल एंड आर अ गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पॉइट्री पॉयट्री क्या होता है कुछ ड्रॉ करना चित्रित करना जैसे क्या क्या कहते हैं इसमें कि जो बुक्स होती हैं वो एक्सपीरियंस, विश्वास और जो उसके आइडियाज़ हैं उनको चित्रती हैं जैसे दर्शाती हैं दे आर रेडली अवेलेबल एंड आर आर गुड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के ये ये जो बुक्स हैं वो आसानी से मिल जाती हैं ठीक है वो एक गुड इंफॉर्मेशन का सोर्स बनती हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कहाँ से मिलती है बुक्स से मिलती है जब हम बुक्स रीड करते हैं हाँ जी नेक्स्ट इज़ पेंटिंग्स सम आर्टिस्ट हैव हैरियस एक्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम बाई मीन्स ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग कुछ आर्टिस्ट आर्टिस्ट होते हैं कलाकार उन्होंने अपने समय समय की हिस्ट्री को वीरियस टाइप से आर्ट और पेंटिंग के पेंटिंग के सोर्सेस से शो किया है जैसे क्या था पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा राजा रवि वर्मा इंडियन पेंटर था फेमस इंडियन पेंटर था कब इन नाइन इन ट्वेंटी सेंचुरी में पोर्ट्रेट इंडियन ट्रेडिशन इन ज़ आर्ट उसने इंडियन इंडिया के जो कल्चर है उसको आर्ट के थ्रू पोर्ट्रेट मीन्स ड्रॉ किया है पेंटिंग की है दफिशियल डॉक्यूमेंट्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस आर सिस्टम ऑफ राइटिंग इन ईच डिपार्टमेंट सो दैट ऑल वर्क कुड भी डन स्मूथली क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हर डिपार्टमेंट में राइटिंग सिस्टम शुरू किया था कि रिटर्न वर्क होना चाहिए जिससे कि सारा जो काम है जो वर्क है कुड बी डन स्मूथली कि स्मूथली वो काम चलता रहे आई होप यू ऑल विल लिसन वेरी केयरफुली दिस वीडियो एंड रीड द पेजेस विच आई विल सेंड टू यू एंड फाइंड आउट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड राइट द मीनिंग इन योर नोटबुक थैंक यू हैव नाइस डे